जहां ग्रेटर नोएडा सीपी लक्ष्मी सिंह का एक्शन देखने को मिला है। 1 लाख के इनामी गैंगस्टर मनोज आसे की प्रॉपर्टी कुर्क की गई। माफिया मनोज की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की तैयारी। हत्या, लूट, रंगदारी, अवैध कब्जे समेत 16 मुकदमे हैं दर्ज। फ्लैट की अनुमति अनुमानित जो कीमत है वो 2.5 करोड़ रुपए है। अवैध धन से अर्जित प्रॉपर्टी को किया गया है जब्त। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में ये पूरी कार्रवाई हुई है। थाना धनकौर के एक गैंगस्टर एक्ट के मामले में चिन्हीकृत मनोज आसे, जो कि एनसीआर का एक कुख्यात अपराधी है, पहले भी हम लोगों ने इस पे 1 लाख का इनाम था, हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद इसकी संपत्ति का चिन्हीकरण किया गया था। इसके द्वारा अवैध रूप से लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति का ये फ्लैट अपनी पत्नी के नाम से अर्जित किया गया था, जो कि इसी कॉलोनी में है जो आपके सामने कुर्क किया जा रहा है। इसकी थाना धनकौर पुलिस ने आख्या दी थी और DCP ग्रेटर नोएडा महोदय की संस्तुति के आधार पर पुलिस कमिश्नर महोदया गौतम बुद्ध नगर ने अपने न्यायालय में इस संपत्ति को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत नियमानुसार कुर्क किया गया है। थाना और अधिक जानकारी के साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, लगातार माफियाओं की कमर तोड़ने का काम लगातार जारी है और इस बीच देखिए माफिया मनोज की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। आपके मनोज आसरे जो कुख्यात अपराधी था, नोएडा NCR का कुख्यात अपराधी जो इस समय सलाखों के पीछे चल रहा है, हालांकि गैंगस्टर एक्ट के मामले में इसके खिलाफ जो है अब जो है कहीं ना कहीं इसकी संपत्ति कुर्क की गई है और जो बताया जा रहा है कि 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है, जो इसका फ्लैट था जो इसकी पत्नी के नाम से था, उसको कुर्क किया गया है और कहीं ना कहीं मनोज आसरे के खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, तमाम रंगदारी, तमाम ऐसे मुकदमे जो 16 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे और इस मामले में मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जो 1 लाख का इनामी रह चुका है, अब सलाखों के पीछे चल रहा है। अब जो है लगातार ताबड़तोड़ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, संपत्ति जब्त की जा रही है, अपराधियों को एक कड़ा मैसेज दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो अपराधी इस तरीके के अपराध कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, माफिया हैं, कब्जाधारी कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको अच्छा एक सबक सिखाने के लिए उनकी जो 2 नंबर की जो इनकम की जा रही थी उससे जो कहीं ना कहीं संपत्ति खरीदी गई थी, अब उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही साथ निशांत, क्या अभी भी और भी संपत्तियां हैं जिस पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी? देखिए कहीं ना कहीं एक कुख्यात अपराधी था और इसकी संपत्ति और भी पुलिस कहीं ना कहीं खंगालने में जुटी हुई है। जिस तरीके से इसकी संपत्ति बीटा 2 थाना क्षेत्र इलाके में ये सामने आई है कि 2.5 करोड़ रुपए का इसका जो फ्लैट था सोसाइटी के अंदर, जो कहीं ना कहीं अवैध जो रकम के द्वारा खरीदा गया था, अवैध रूपों के द्वारा खरीदा गया था, लोगों से वसूलने के बाद खरीदा गया था, तो उसके खिलाफ कुर्क की कार्रवाई की गई और भी कहीं ना कहीं जो भी इसकी संपत्ति होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई जो है नोएडा कमिश्नरेट पुलिस करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया निशांत इस जानकारी को देने के लिए।